तो ये देखो भाई, ये है वो प्रीतम मीट वाले का फेमस मटन करी, जिसके लिए स्पेशली हम मायापुरी फेज टू में आए हैं। ओह गगन देवमन खाया मटन। ये देखो भाई, ये जैसे वो वाली उधार होती है ना मिक्स। तो एक दिन में कितना किलो बना लेते होगे? 10 किलो आराम से, 10 किलो निकल गया 9 से 4 में ही। इसका 100 रुपये, इसमें 2 पीस आते वही, और वही 4 रोटी और सलाद। भैया जी दूसरे कितने सालों तो आ रहे हो? दस साल तो आ रहे हो। तो यही मटन, क्या बात है। तो भाई देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। सब्सक्राइब कीजिए दिल से फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड ब्लॉग्स देखने के लिए। तो लीजिए जनाब, एक बार फिर से मैं आपको लेकर आया हूँ मायापुरी में। भाई मायापुरी में ख़जाना बहुत है, एक्चुअली में सीरियसली ख़जाना बहुत है। हमने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर ली मटन के लिए, बट आज मैं जो लेकर आया हूँ यहाँ पर मटन, अंकल जी खुद बनाते हैं 30 से 35 साल पे यहाँ पे। और कहाँ पर आए हैं? मायापुरी फेज़ टू आए हैं, सुंदर बेरिंग मार्केट के जस्ट सामने। आपको देखिएगा ये कार्ट, छोटा सा कार्ट बोलूँगा मैं इसे, कोई फैंसी सी दुकान नहीं है। और मटन अंकल के हाथ का जो टेस्ट है ना भाई, यहाँ के लोग तारीफ करते थकते नहीं हैं। खा चुका हूँ मैं पूरा, ये पहला शॉट मैं बाद में ले रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली में कि ये मटन कैसा है, कितने रुपए का है, बन कैसे रहा है, कितनी टाइमिंग क्या है, सब चीज़ें बात करेंगे। और हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना गूगल पे जो लिंक होता है, जो मैप का लिंक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि एड्रेस समझाना मुश्किल है। तो गूगल लिंक है, एग्जैक्ट लोकेशन यही, मैं गूगल को फॉलो करके यहाँ पर आया हूँ, आप भी फॉलो करो उसे। और स्विगी और जोमेटो पे भी ये आने वाले हैं प्रीतम मीट वाला के नाम से, 1 हफ्ता कह रहे हैं ये आ जाएंगे। तो आप चेक करते रहना स्विगी पे या फिर जोमेटो पे पहले आएगा, तो जो भी आपको मिले जल्दी। चले एक बार देखें कि बनता कैसे, कितने रुपये का टेस्ट कैसा है। चलिए तो सबसे पहले वीर जी, पहले तो तुम्हारा नाम की है? गगन। और आपका नाम? बबन। गगन थे बबन की गल है भाई। तो आपने खाया है मटन? हाँ। ओह गगन थे बबन खाया मटन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा टेस्ट, वेरी गुड। कितना टाइम से आ रहे हो अब यहाँ पे? 2-3 साल हो गए। दो तीन? हमको मायापुरी 15-16 साल से है। अच्छा, मतलब शॉप वगैरह यहीं पर? हाँ, यहीं पर है पीछे। तो लंच सॉर्टेड है कि लॉन्च करना है? नॉट एवरीडे समटाइम्स, बट जब टिफिन ना आए तो हम सोचते पहले यहाँ आ जाए। मतलब कि सर्दी है तो टिफिन ना ही आए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है, गर्मा गर्म खा ले। घर से टिफिन ना आए तो बढ़िया ही है सर्दियों में, क्या बात है। तो अगर मैं 10 में से रेटिंग बोलूँगा देने के लिए, कितने रेटिंग दोगे टेस्ट को? इसको 9 तो दे देंगे। 9 दे दोगे, क्या बात है। तो अब ज़रा हम भी देखें ज़रा एक्चुअली ये बनता कैसे है, मटन टेस्ट कैसा है और कितने रुपये का है, और बना कौन रहा है एक्चुअली, वो भी देखते हैं। चलिए तो ये देखो भाई, ये है वो प्रीतम मीट वाले का फेमस मटन करी, जिसके लिए स्पेशली हम मायापुरी फेज टू में आए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन की टेंशन मत लेना, एग्जैक्ट लोकेशन का जो लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, क्या गूगल मैप का लिंक, आप आराम से देख के आ सकते हो। 1 प्लेट कितने रुपये कहती है? 150। और कितने पीस होते हैं? 2 पीस। 2 पीस, क्या बात है। और मटन 4 रोटी साथ में 150 रुपये के अंदर ही? 4 रोटी सलाद 2 पीस मटन के, बढ़िया से आपका यहाँ पे लंच हो सकता है 150 रुपये में, एक बंदा आराम से खा सकता है। तो भाई देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये सारा कुछ अंकल आप अपने आप बनाते हो? यहीं पर तो सब यहीं पर तैयार होता है। और कितने बजे आते हो सुबह? 9 बजे आते हैं। और रात के कितने बजे तक? 4 बजे तक है। मतलब भाई वो देखो भाई, मटन कहाँ पड़ा हुआ है वो भी देख लो। ये देख मन्नी, ये रहा मटन। तो एक दिन में कितना किलो बना लेते होगे? 10 किलो आराम से, 10 किलो निकल गया 9 से 4 में ही आराम से। और साथ में क्या होता है? साथ में चावल होता है, मटन। अगर किसी को मटन ना खाना हो कुछ और? दाल खा ले, दाल मखनी है। दाल मखनी है। और चिकन में भी कुछ है? चिकन में है। चिकन करी? चिकन करी। ये रहा भाई चिकन करी, ये चिकन करी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। इसका क्या रेट आता है? इसका 100 रुपये। 100 रुपये, इसमें 2 पीस आते वही, और वही 4 रोटी और सलाद, क्या बात है। पर लेकिन मैं तो मटन खाने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि मटन कैसा है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग वही खा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ना यहाँ पे ऑफिस है, मतलब दुकानें हैं, तो लोगों का मतलब कि सीन सेट है कि भैया लंच करना तो यहाँ करना है। ये देखो भाई सब खा रहे हैं बढ़िया से। भैया जी दूसरे कितने सालों तो आ रहे हो? हाँ जी 10 साल। 10 साल तो आ रहे हो। तो यही मटन, क्या बात है। मतलब लंच मैं वही बोल रहा हूँ कि हर कोई बंदा चाह रहा है यहाँ पे कि लंच घर से ना आए इनका और सीधा यहीं पर आ जाए, बहाना चाहिए मतलब लोगों को यहाँ पर आने का। प्रीतम, आपका नाम ही प्रीतम है? प्रीतम मीट वाले, यही क्या सरदार जी का नाम है प्रीतम। और चावल है आपका, चावल है इसके अंदर, ये मटर वाले चावल है, जीरा राइस एंड मटर चावल है। चिकन करी है, दाल मखनी है, मटन करी है,
एक ही है क्या? दाल 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 की कलर बड़ा अच्छा लग रहा है यार, लुक एट दिस। ये देख भाई, ये जैसे वो वाली उधार होती है ना मिक्स, चने की और काली और राजमा, पांच दालें मिक्स है। और ये कितने की आती है एक प्लेट? 50 रुपये। बहुत बढ़िया। मूली दिख रही है मेरे को, क्योंकि पता है कि प्याज तो आसमान पे छू रहा है। चावल डल गए भाई, ये देख, ये ऐसे प्लेट ख़त्म होती है जब ग्रेवी बच जाती है। बट सीरियसली यार मज़ा आ रहा है, टेस्ट करें मन नहीं। अब हम लेते हैं और टेस्ट करते रहते हैं वो टेस्ट कैसा है। हमारी प्लेट लग चुकी है, क्या बात है। ये डलेगा ऊपर थोड़ा सा रोगन, क्योंकि इसमें ना फ्लेवर बहुत होता है एक्चुअली। क्या बात है, तो ये आ गया जी मटन हमारा। अब इसी के साथ यहाँ पे रोटी आ जाएगी और फिर हम टेस्ट करके बताते हैं वो टेस्ट कैसा है। लुक एट दिस यार, ग्रेवी देख रहा है, इसी का ही टेस्ट है एक्चुअली। अब 30-34 साल पुराने शॉप है तो कुछ तो दम होगा। सलाद भी आ गया, हरी चटनी, सलाद, मूली का अचार है, मूली है और चुकंदर है। बहुत बढ़िया। तो ये मायापुरी फेज़ टू में है, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के जस्ट सामने अंदर गली जा रही है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रीतम मीट वाला। नहीं तो आपको ऊपर मैं क्या गूगल पे लोकेशन भी डाल रहा हूँ, आप गूगल पे आराम से क्लिक करके आ सकते हो, सीधा डायरेक्ट यहीं पर लेके आएगा। मैं गूगल से ही आया हूँ यहाँ पे। और उधर तंदूरी रोटियाँ लग रही है, तंदूर भी गैस वाला है। वन्नी इधर आके देख ले, लगता है गैस वाला। ये रोटियाँ लग रही है इधर से, वन्नी इधर आ जाइए, ये दिख रहा है, देख रहा है सामने लगाना। ये देख भाई, गैस वाला तंदूर है, दिख रही गैस दिख रही है। ये चूल्हा लगा रखा है क्योंकि कोयला बैन हो चुका पॉल्यूशन के चक्कर में, तो अब ये कंपलसरी हो जाएगा पूरी दिल्ली के अंदर थोड़े दिनों में। अभी भी कई लोग यूज़ कर रहे हैं कोयला, बट वो जल्दी से बंद हो जाएगा। तो आप किसकी वेट कर रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ पर आइए और ये प्रीतम जी का मीट ज़रूर ट्राई करना, जो कि काफ़ी फेमस है यहाँ, 33-34 साल पुराना है। तो ये देखिए जनाब, मटन आ चुका है और मैं जैसे देख रहा हूँ ना, ग्रेवी बहुत अच्छे से पकी हुई है। आपको देख रहे हो कि धीमी आंच पे पकता जा रहा है मटन, क्या बात है। सुबह यहीं पर पकता सारा कुछ एकदम फ्रेश है, और तंदूरी रोटी एकदम बढ़िया सी। अगर आपको ये रोटी, चार रोटी इसके साथ आ रही है, 150-150 रुपये का जो कॉम्बो है इसके साथ मिलेगी। अगर आपको स्टिल आपको लग रहा है कि मेरे को रोटी और चाहिए, तो 5 रुपये की एक रोटी है, आपको गर्मा गर्म 5 रोटी मिल जाएगी, 5 रुपये की एक रोटी मिल जाएगी। फर्स्ट बाइट जिससे डिसाइड हो जाएगा कि सही जगह पे आया हूँ। सही जगह आया। ग्रेवी का जो टेस्ट है ना वो एकदम अलग है, मतलब मटन का जो जूस है, जो जूसेस है वो पूरे के पूरे अच्छे से आ रहे हैं, खड़े मसाले से बना है। और ठंड में इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये देख भाई, गर्मी का साथ है, ठंड में गर्मी का साथ भाई, ये देख रहा टेंडर लग रहा है ना। नहीं बहुत सारा टेंडर नहीं है, बट ठीक है, इतना ही ठीक है, देखने में तो लग रहा। मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया, मज़ा सीरियसली। भैया को दिखा, ये कितने साल से आ रहे हो आप? 30-32 साल से आ रहे हो और यही मटन खाते हो, क्या बात है। तो यहीं आसपास ही काम करते हो, क्या क्या? चावल, मटन चावल, ये मटन और चावल है जो काफ़ी लोग यहाँ पे लेते हैं। ये गरम बहुत है यार, नहीं खाएगा, टेस्ट करेगा यार। ग्रेवी 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 भी नहीं, भगवान करे अगले 10 वीडियो मटन की हो। बट सीरियसली यार, टेस्ट बहुत अच्छा है। हम्म,
मटर है, आलू है, ऊपर मीट की तरी डाल दी है। टू गुडा पूरा पैसा वसूल है, 150 रुपये में दो मटन के पीस, 4 रोटी और सलाद। कभी भी यहाँ पर आए तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। और तो और अच्छा पाजी, इतने स्विगी जोमेटो पे भी है भले, यहीं पर आके खाएं बढ़िया है। तो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर आके खा लें। नीचे गूगल पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से उसे फॉलो करके यहाँ पे आ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप मैं इसका गूगल का लिंक डाल रहा हूँ, आप आराम से यहाँ पे आके खा सकते हो। टाइमिंग का ध्यान रखना है, 9 बजे से 4 बजे तक है, और मेरे रिकमेंडेशन है कि आप 1-2 बजे तक ही आए और आराम से खाएं गर्मा गर्म। संडे और ट्यूसडे बंद है, तो कभी भी यहाँ पर आए ये चीज़ें ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार, क्योंकि यहाँ पे फॉलोवर जब बढ़ते हैं ना मज़ा आता है। और ये रहा मनमीत का, इसको भी फॉलो कर लो, ये तो ये बोलेगा भाई मटन तो खिलाया नहीं खिलाया, फॉलोवर तो बढ़ा दे मेरे। कई लोगों ने फॉलो किया यार, थैंक यू यार, थैंक यू भाई। मिलते हैं भाई आपको नई वीडियो में जल्दी से, थैंक यू सो मच।